जी हाँ दोस्तों, रेलवे एलपी एग्जाम 2018 और 17 अगस्त की तीनों पालियों की परीक्षा अवरुद्ध कर दी गई है। दोस्तों वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। रेलवे की साइट के ऊपर भी, आरआरबी की साइट के ऊपर भी इसका ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि कहां की एग्जाम रद्द हुई है और उसका कारण क्या है। तो दोस्तों वीडियो के ऊपर चले, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे दबाना है, फिर ये काला हो जाएगा और इसके पास में आ जाएगा बेल आइकन, अब आपको इसे भी ऑन कर देना है। फिर दोस्तों जो भी हम रेलवे एएलपी से संबंधित वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। अब दोस्तों बात आती है खबर की, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है। अब दोस्तों जब आप इस साइट के ऊपर जाओगे तो देखिए यहां पर आपको नोटिस दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट नोटिस सीबीटी एग्जाम को लेकर। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों नोटिस हमारे सामने डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों इस नोटिस में यहां पर बताया गया है, डियर कैंडिडेट, यहां पर बताया गया है कि 17 तारीख की जो तीनों शिफ्ट की एग्जाम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी ऑल शिफ्ट की एग्जाम है सीबीटी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, वो कैंसिल कर दी गई है, यानी पोस्टपोन कर दी गई है। यानी दोस्तों ये जो आपके एग्जाम है ये आगे होने वाली है, उसकी सूचना भी नहीं दी गई है। और दोस्तों ये उस सेंटर की एग्जाम है, आप देख सकते हो ये साइट है, ये तिरुवनंतपुरम की साइट है, तो उस एक ही सेंटर की एग्जाम है केरला के सेंटर की। यहां पर आप देख सकते हो इन व्यू ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड रेन एंड फ्लड्स इन केरला, यानी दोस्तों केरल में बहुत ज्यादा बारिश और बाढ़ आने के कारण है वहां की एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। अब आगे आपकी एग्जाम किस दिन होगी उसकी जानकारी आगे आपको मिल जाएगी, लेकिन आज आपकी एग्जाम है वो नहीं होनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों से शेयर तो जरूर करना, ताकि जो विद्यार्थी एग्जाम देने गए हैं उन्हें पता चल सके कि आज उनकी एग्जाम नहीं होनी है। धन्यवाद।